गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। मैं अभिषेक सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है बेटा 8 इयर्स का। स्पेशलाइज हूं कंप्यूटर साइंस बैंकिंग के लिए। ये हमारे कुछ चैनल्स हैं, सभी लोग इन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए, अनअकैडमी के बेनिफिट्स को लेने के लिए बेटा आपको ये लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सभी बच्चे मुझे एक बार बताते हैं बेटा ऑडियो वीडियो प्रॉपर है या नहीं। आपको लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको कहां पर मिलेगी बच्चे? प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर मिल जाएगी, ठीक है। यह हमारे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस में मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे सब्सक्रिप्शन कोड SPDS या USAS, दोनों में कोई भी सब्सक्रिप्शन कोड आप बेटा यूज कर सकते हैं और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। क्लास को पेशेंस के साथ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, चीजों को समझिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कम पढ़ा रहा है या कोई ज्यादा पढ़ा रहा है, ठीक है। यह क्लास शेड्यूल है, सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी पर लिख लें और डेली इस क्लास को अटेंड किया करें। 11 से 12 जो है अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास होती है, जहां पर मैं रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस अल्टरनेट ऑर्डर में पढ़ाता हूं। 12:30 से 1 ये मैं आपको लेट्स क्रैक बैंक पे पढ़ा रहा हूं, जहां पे मैं कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट कोर्स पढ़ाऊंगा। 6:30 बजे आप आकर के अपने कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं मेरे साथ एक मॉक सेशन में, और रात में 9:30 बजे आप अपनी रीजनिंग की प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं मेरे साथ। और ये दोनों चीजें जो होती हैं बेटा ये अलग चैनल पे होती हैं, जिसका नाम है डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट, ठीक है। और ये सारा शेड्यूल जो है बेटा ये मंडे टू सैटरडे का है, संडे क्लासेस ऑफ रहती हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का सेशन में बेटा इनपुट डिवाइसेस नहीं होगा, आज के सेशन में बेटा आउटपुट डिवाइसेस होगा, ठीक है। जो बच्चे कल के सेशन में आए थे एक बार मुझे बता दें कि क्या उन्हें इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है। जो बच्चे बेटा कल के सेशन में आए थे वो मुझे एक बार बता दें कि उन्हें इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है। कल हमने अपने इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट करे थे, ठीक है। आज हम आउटपुट डिवाइसेस से शुरुआत करेंगे। और इसका काम क्या है सुनिए गौर से। इसका काम है टू शो मीनिंगफुल आउटपुट, ठीक है, सिंपल। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आउटपुट डिवाइसेस ऑलवेज इंटरैक्ट विथ यूजर। ये जो लाइन मैंने लिखी है इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट का साइन बना लीजिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन SPIPO में इस लाइन से पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि यूजर इंटरैक्ट विथ विच यूनिट, पहला क्वेश्चन ये आता है। और दूसरा क्वेश्चन बेटा ऐसे आता है कि आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट यूनिट ऑलवेज इंटरैक्ट विथ, तो आउटपुट डिवाइसेस ऑलवेज इंटरैक्ट विथ यूजर एंड यूजर ऑलवेज इंटरैक्ट विथ इनपुट यूनिट। यूजर हमेशा इनपुट डिवाइसेस से संबंध रखता है और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो यूजर से इंटरेक्शन करती है, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है बच्चे मॉनिटर का, और मॉनिटर को दूसरे शब्दों में हम VDU कहते हैं। क्या आप लोग हमें VDU का फुल फॉर्म बता सकते हैं? सभी बच्चे जो सेशन देख रहे हैं क्या बेटा आप मुझे VDU का फुल फॉर्म बता सकते हैं? तो लिखेंगे इट स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU का फुल फॉर्म लिखेंगे बेटा इट स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सभी बच्चे लिख लें इसको फुल फॉर्म को, और इसके बाद याद रखें आगे की चीजें वो क्या है। अगर हम मॉनिटर के टाइप की बात करें तो सबसे पहले जो मॉनिटर चलते थे उनका नाम था बच्चे CRT, और CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब।
सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? कैथोड रे ट्यूब होता है, सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके बाद जो इंट्रोड्यूस हुए वो एलसीडी इंट्रोड्यूस हुए, एलसीडी का फुल फॉर्म रखेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद तीसरा जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो था हमारा बच्चे टीएफटी। टीएफटी का फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और इसके बाद लिख लेना बच्चे आपका एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। और अब लास्ट में आ रहा है एक और, जिसका नाम है अमोलेड, और इसका फुल फॉर्म है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये सारे जिस ऑर्डर में इंट्रोड्यूस करे गए हैं मैंने उसी ऑर्डर में यहां पर लिखे हैं। आप लोगों की ड्यूटी रहेगी बेटा कि आप लोग इनका फुल फॉर्म याद रख लें, सभी लोग इनके फुल फॉर्म्स याद रख लें। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहां पर हमने इनका जो टाइप डिस्ट्रीब्यूट करे हैं वो किस आधार पर करे हैं, तो आंसर आएगा बेटा एंगल विजुअलाइजेशन के हिसाब से। याद रखना बेटा किसके आधार पर करें हैं, एंगल विजुअलाइजेशन के हिसाब से करें हैं, यानी कि आप किसी भी स्क्रीन को बिल्कुल फ्रंट से देख रहे हैं तो उसकी विजिबिलिटी कैसी है, और अगर आप उसे थोड़ा सा साइड से देख रहे हैं तो उसकी विजिबिलिटी कैसी है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे की ओर और नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे, जिसका नाम होता है बेटा प्रिंटर। प्रिंटर का काम होता है टू प्रिंट ऑन पेपर। सिंपल आंसर, प्रिंटर का काम क्या होता है बेटा? टू प्रिंट ऑन पेपर। कौन बच्चा मुझे टाइप्स ऑफ प्रिंटर बताएगा? क्या किसी बच्चे को टाइप्स ऑफ प्रिंटर पता है? क्या इस किसी स्टूडेंट को बच्चे टाइप्स ऑफ प्रिंटर पता है? इंजेक्ट लेजर। देखो बेटा सुनो, टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर होते हैं, याद रखना सभी बच्चे, टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं याद रखना बेटा, पहले हेलो हेलो सभी बच्चों को हेलो। पहला होता है बेटा आपका इंपैक्ट प्रिंटर। क्या होता है? इंपैक्ट प्रिंटर। और दूसरा होता है बच्चे आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बेटा ये क्लास 12:30 पे शुरू होती है, तो आप लोग एक दो मिनट लेट तक सब लोग आ जाया करो। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं भाई इंपैक्ट प्रिंटर की। इंपैक्ट का क्या मतलब होता है भाई? इंपैक्ट का मतलब होता है जहां पर प्रिंट आउट जनरेट करने के लिए हम बार बार बच्चे प्रेशर डालते हैं। बेटा बस अभी 12:30 से शुरू हुआ है, 12:31 के आसपास शुरू हुआ था। ठीक है, और ये लगभग 5-6 दिनों से लगातार चल रहा है। आप रिकॉर्डेड सेशन पिछले देख सकते हैं, अभिषेक सचान नाम डाल के आ जाएगा बेटा। ठीक है, और ये बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है, बहुत जबरदस्त टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसके 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखो इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। आप सभी बच्चों ने क्या कभी आप लोगों ने बच्चे टाइपराइटर देखा है? जल्दी से बताओ, क्या आप लोगों ने सभी बच्चों ने टाइपराइटर देखा है? आप लोग कभी जाना कोर्ट वगैरह में जाना या आरटीओ ऑफिस के आसपास जाना, वहां पर आपको एक टाइपराइटर बैठा मिलेगा। आप देखना वो कैसे प्रिंट आउट निकालता है। वो क्या करता है, वो एक पेपर को अपनी मशीन में इस तरीके से इंसर्ट करता है और अपनी कीज में प्रेशर डालना शुरू करता है। ठीक है, पूरा बेटा प्रेशर डालना, वो ऐसे ऐसे हिट करेगा अपनी कीज पर। जब वो ऐसे ऐसे हिट करेगा बच्चे अपनी कीज पर, तो आप नोटिस करना जैसे वो एक की को हिट प्रेस करेगा
वैसे ही एक हैमर जो है एक रिबन पे हिट करेगा। गौर से सुनना मैंने क्या बोला, जो हैमर है वो किस पर हिट कर रहा है, रिबन पर हिट कर रहा है, और कौन हिट कर रहा है, हैमर हिट कर रहा है। रिबन में ही बेटा क्या लगी होती है, इंक लगी होती है, तो हैमर काट दो थोड़ी देर के लिए, और हैमर की जगह याद रखो कि सर उसे हैमर नहीं कहते, सर उसे हेड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हैमर नहीं कहते उसे, हम लोग हेड कहते हैं। तो ये जो हेड है ये बार बार रिबन पे क्या करता है, इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और उस पर्टिकुलर हेड पर वो लेटर प्रिंटेड होता है, और रिबन पे जैसे ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है इंक की मदद से, बैक साइड में जो पेपर होता है उस पे वो लेटर छप जाता है। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई, क्या आप लोगों को इम्पैक्ट प्रिंटर की फंक्शनैलिटी में कुछ क्लियरेंस हुआ? गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ तो बताओ बेटा, क्या आप लोगों को इम्पैक्ट प्रिंटर की फंक्शनैलिटी कुछ क्लियर हुई? सिंपल सा आंसर है, जैसा टाइप राइटर होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है ना। और अच्छा को तो बेस्ट एग्जांपल तुम्हें देते हैं, रेलवे स्टेशन पे आप जब जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे जब आप जाते हैं, और वैसे तो सब लोग अब जनरली क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन टिकट बना लेते हैं, लेकिन जब आप रेलवे स्टेशन पे जाकर के जनरल वाला टिकट लेते हैं या रिजर्वेशन वाला टिकट लेते हैं, तो आप देखिएगा जिस प्रिंटर से वो प्रिंट आउट निकाल के देता है वो प्रिंटर कोई और प्रिंटर नहीं होता है, वो प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। कौन सा प्रिंटर होता है बेटा, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। हाँ भाई पूरा करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, पूरा करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे बेटा, पूरा करवाएंगे। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। बेटा हम तो टीचर हैं, हमें क्या है, हम तो यहाँ पढ़ाएं चाहे जहां पढ़ाएं, हम तो पढ़ाएंगे ही, है ना, पूरा पढ़ाएंगे, टेंशन ना लेना, बस आप डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़ाते तो हम डेली, ये बच्चे बदलते रहते हैं, ठीक है। हाँ तो बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। आप सुनना बेटा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, नॉन इम्पैक्ट का मतलब हो गया कि पेपर को टच नहीं करना है, बिना टच करे प्रिंट आउट निकालना है। तो सोचो जरा एक चीज सोचो, एक वॉल है बेटा, एक दीवाल है, उसको आपको बिना छुए उस पे पेंट लगाना है, तो कैसे लगाओगे, स्प्रे करोगे कि नहीं करोगे, जल्दी से हाँ कि ना जवाब दो। एक वॉल है जिस पर आपको प्रिंट आउट निकालना है या कलर लगाना है, प्रिंट आउट भूल जाओ, कलर लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे, सर स्प्रे ही तो करेंगे, है ना। तो यही चीज होती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर लेजर बीम्स यूज होती हैं। क्या यूज होती है बेटा, लेजर बीम्स यूज होती हैं जो पेपर पर इंक को स्प्रे करती हैं। और इंक कहाँ होती है, इंक होती है बेटा किसके अंदर जानते हो, आप लोगों ने नाम सुना होगा कार्ट्रिज वर्ड सुना होगा, सुना है। जल्दी बताओ बेटा, कार्ट्रिज वर्ड सुना है, कार्ट्रिज वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। और दूसरा वर्ड मैं यहां पर एक और लिख देता हूं, ड्रम, ठीक है, ड्रम, ठीक है। तो जो ड्रम है या जो कार्ट्रिज है, इनके अंदर क्या रहता है, इंक रहता है, और लेजर बीम जो है बेटा वो इंक को स्प्रे करता है पेपर के ऊपर, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर में इंक कहाँ रहता है, सर रिबन में रहता है। रिबन में कैसे आ गया, रिबन में जब इंक खत्म हो जाती है तो वो लोग रिबन को ऐसे पकड़ के इंक में डुबो देते हैं, थोड़ी देर सुखा देते हैं और फिर से लगा देते हैं। क्या ये बात समझ में आई, जरूरी नहीं है कि डुबोते हो, ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए मैंने तरीका अपनाया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में इम्पैक्ट लगेगा, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बेटा इम्पैक्ट नहीं लगेगा, दूर से ही प्रिंट आउट जनरेट करने के लिए लेजर बीम की हेल्प से इंक को स्प्रे किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर की। टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर लो बेटा, तो पहला लिखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर,
आप लिख सकते हो बच्चों, डेजी व्हील प्रिंटर। तीसरा लिख सकते हो बच्चों, लाइन प्रिंटर। चौथा लिख सकते हो आप बेटा, ड्रम प्रिंटर। और पांचवा लिख सकते हो आप, चेन प्रिंटर। क्लियर? ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं किसका? इंपैक्ट प्रिंटर का। और यहां पर मैं लिखना चाहता हूं टाइप्स ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। पहला लिखेंगे इंकजेट प्रिंटर, दूसरा लिखेंगे लेजर प्रिंटर, तीसरा आप लिख सकते हो बेटा जीरोक्स प्रिंटर, जो जीरोक्स मशीन में प्रिंटर होता है, जीरोक्स प्रिंटर। क्लियर हो गई? तो ये हो गए हमारे इंपैक्ट प्रिंटर, इधर वाले हो गए हमारे सारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है ना। अब ये जितने भी हमारे इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, इसमें सारे के सारे में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो डॉट मैट्रिक्स होता है। रेलवे स्टेशन पर जो टिकट निकाला जाता है बेटा, वो निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं लिखवाता हूं। इनका फंक्शन वगैरह कुछ नहीं पूछता, आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया, ठीक है ना। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था? मोस्ट ड्यूरेबल, सुनना बेटा, मोस्ट ड्यूरेबल प्रिंटिंग क्वालिटी किस प्रिंटर की होती है? गौर से सुनना बेटा। तो आंसर आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या आप लोग इस बात को याद रख लेंगे? मोस्ट ड्यूरेबल, वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। मोस्ट ड्यूरेबल प्रिंटिंग क्वालिटी प्रिंटर अगर कोई पूछेगा तो आप जवाब देंगे बच्चे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और इसको समझने का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपके वॉलेट में हो सकता है 6 महीने पुराना रेलवे स्टेशन का टिकट पड़ा हो, आप उसको खोल के देख लीजिए, आपको वैसा का वैसा ही दिखेगा उसमें लिखा हुआ सब कुछ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, डिमांड ड्राफ्ट, जो आपका बैंकों में स्टेटमेंट निकालने के लिए प्रिंटर्स नहीं होते जिसमें ऐसे ऐसे चला करता है हेड, वो जो ऐसे ऐसे मूव करता है, LIC के ऑफिस में जो ऐसे ऐसे मूव करता है, ये सब बेटा इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल होते हैं, एंड दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्लियर? ठीक है, आप दसियों साल बाद भी LIC की रसीद खोल के देखेंगे तो आपको सब कुछ वैसा का वैसा ही लिखा मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने बेटा नोटिस किया है कि आपको ATM से एक रसीद निकलती है? हाँ लेट हो सर, हाँ यार हो जाता है कभी कभी, चीजें अपडेट नहीं हो पाती। हाँ तो बताओ बेटा, ATM मशीन से जो रसीद निकलती है उसको आप अपने वॉलेट में डाल देना, आप उसको अपने वॉलेट में डाल लेना बेटा, ठीक है। और महीने भर बाद या 2 महीने बाद जब आप उसको खोल के देखोगे तो आपको पेपर तो मिलेगा लेकिन उसमें लिखा कुछ नहीं होगा। क्या कभी आपने नोटिस किया है? नहीं किया है तो आप करिएगा। ATM से रसीद जो निकलती है ना, जिसमें लिखा होता है कि आपके अकाउंट में अब इतने पैसे बचे हैं बैंक बैलेंस वाली, उसको बस आराम से रैप करके प्रॉपरली वॉलेट में डाल दीजिएगा। 3-4 महीने बाद उस रसीद को निकालिएगा, देखिएगा उसमें कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है। चलिए आप पूछ लो पूछ लो पूछ लो, जो भी पूछना है पूछ लो, मैं बता दूंगा अगर मुझे पता होगा तो, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार आया है, बेस्ट क्वालिटी प्रिंटर, तो इसका जवाब बच्चे हमेशा याद रखना लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी क्वालिटी की, कि प्रिंटर की क्वालिटी का जजमेंट कैसे किया जाता है, तो याद रखना बेटा इसका यूनिट होता है DPI। क्या यूनिट होता है? DPI यूनिट होता है। और DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? DPI का फुल फॉर्म होता है बच्चों डॉट्स पर इंच।
डीपीआई का फुल फॉर्म होता है बेटा डॉट्स पर इंच। इसी बात को दूसरे शब्दों में कोई लोग पीपीआई भी कहते हैं, और पीपीआई का फुल फॉर्म होता है बेटा पिक्सल्स पर इंच। क्लियर? जो डॉट्स पर इंच वाला आंसर है ये सॉफ्ट कॉपी के सेंस में दिया गया है आपको, और जो सॉरी सॉरी हाँ नहीं 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 ये डीपीआई वाला जो आंसर है बेटा ये किसके सेंस में दिया गया है? हार्ड कॉपी के सेंस में। और पीपीआई वाला जो आपको आंसर दिया गया है ये किसके सेंस में दिया गया है? आपको सॉफ्ट कॉपी के। ये डिमांड ड्राफ्ट और रेलवे के टिकट के दोनों तरफ डॉट्स क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन होता है? अरे यार वो दोनों तरफ डॉट नहीं करते हैं भाई, उसमें करते वो एक ही तरफ है, लेकिन जब इम्पैक्ट पड़ता है ना तो उसमें पीछे साइड से जो रिबन होता है उसका इंक लग जाता है केवल। ठीक है, तो जो डीपीआई शब्द है बेटा ये हार्ड कॉपी के लिए है, जो पीपीआई शब्द है वो आपके सॉफ्ट कॉपी के लिए है। आप जब भी कैमरा खरीदने जाते कोई डॉट नहीं बोलता, हमेशा पिक्सल या मेगा पिक्सल बोलते हैं हम लोग। समझ गए कि नहीं समझ गए इस बात को? ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी इमेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी इमेज की अगर बात करोगे तो इसका आंसर आएगा बेटा पिक्सल। क्या आंसर आएगा बेटा? पिक्सल आएगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है याद रखना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी इमेज तो आंसर आ जाएगा पिक्सल। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगाओ, बेस्ट क्वालिटी प्रिंटर के ऊपर इंपॉर्टेंट लगाओ, डीपीआई के फुल फॉर्म पर इंपॉर्टेंट लगाओ। कई बार आपको डीपीआई का फुल फॉर्म लिखा मिलेगा डॉट पर स्क्वायर इंच, कृपया उसे फॉलो ना करें। क्लियर है? डीपीआई का फुल फॉर्म लिखा मिलेगा डॉट पर स्क्वायर इंच, कृपया उसे फॉलो ना करें। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है स्पीड ऑफ प्रिंटर। अगला पॉइंट है बेटा स्पीड ऑफ प्रिंटर। तो जैसे क्वालिटी ऑफ प्रिंटर का यूनिट बच्चे डीपीआई होता है, वैसे ही स्पीड ऑफ प्रिंटर का यूनिट पीपीएम होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट। याद रखना, स्पीड ऑफ प्रिंटर का फुल फॉर्म होता है बच्चे पेज पर मिनट। क्लियर? याद रखना इन बातों को, इस पर भी इंपॉर्टेंट का साइन आप चाहें तो बना सकते हैं बेझिझक। ठीक है, अगला अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला आउटपुट डिवाइस का नाम लिखेंगे बेटा, और वो अगला आउटपुट डिवाइस का नाम है प्लॉटर। क्या है? प्लॉटर है। क्लियर हो गई ये बात? अब प्लॉटर क्या होते हैं? तो आंसर आएगा यूज टू प्रिंट बिग ऑब्जेक्ट्स। याद रखना, लाइक फ्लेक्स बोर्ड्स एटसेट्रा। जब भी हमें कोई कॉमर्शियल पर्पस में बड़े से बड़ा प्रिंटआउट निकालना होता है, उस कंडीशन में बच्चों हम कभी भी प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं करते, हम हमेशा प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। प्लॉटर के इन्वेंटर का नाम है बेटा रेमिंगटन रैंड। क्लियर हो गई ये बात? जो प्लॉटर के इन्वेंटर हैं बेटा उनका नाम है रेमिंगटन रैंड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि प्लॉटर का यूज सबसे ज्यादा कौन करता है। तो याद रखिएगा बेटा प्लॉटर का यूज सबसे ज्यादा कैड में होता है। कहां पर होता है? कैड में होता है। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सभी बच्चे बताएं क्या ये फुल फॉर्म सही लिखा गया है? कैड स्टैंड्स फॉर बच्चे कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्लियर हो गई ये बात? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लॉटर की। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ड्रम प्लॉटर, आपका फ्लैट बेड प्लॉटर, इसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर,
और लास्ट वन लिखेंगे आपका रोलर प्लॉटर, रोलर प्लॉटर। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन सुनो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सुनो। ग्राफिक्स, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग बेस्ट ग्राफिक्स क्वालिटी। दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस क्या हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, चौथा ऑप्शन है प्लॉटर, और पांचवा ऑप्शन है बच्चे नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? यहाँ पे सब में प्रिंटर है आगे। क्या क्वेश्चन होगा बेटा इस क्वेश्चन का? विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग बेस्ट ग्राफिक क्वालिटी। मेरी राइटिंग, मैं सच्ची बता रहा हूं बेटा, बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें पता नहीं यार मैं लिख नहीं पाता, बहुत गंदा लिखता है। मैं बहुत परेशान हूं इस बात से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग बेस्ट ग्राफिक क्वालिटी? ऑप्शन में डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर एंड प्लॉटर, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाए तो आपको ये याद आएगा कि ये ऊपर के तीन ऑप्शन सारे प्रिंटर हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो प्लॉटर होता है वो बेटा प्रिंटर से हमेशा ज्यादा अच्छा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा प्लॉटर। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है नरेश आपने बेटा, कि प्लॉटर्स का इस्तेमाल जो है बैनर्स, फ्लेक्स, हार्डबोर्ड, इन पर प्रिंटआउट निकालने के लिए होता है। ठीक है, इवन आप चाहें तो नोट डाल के यहां लिख सकते हैं कि ग्राफिक्स क्वालिटी, ग्राफिक्स क्वालिटी ऑफ प्लॉटर इज बेटर देन प्रिंटर। इस बात को आप कॉपी पे लिख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, ग्राफिक्स क्वालिटी ऑफ प्लॉटर इज बेटर देन प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा प्लॉटर हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और यहां पर मान लो मैं पूछ लूं ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर हैविंग बेस्ट ग्राफिक क्वालिटी? अगर ये क्वेश्चन पूछूं और यही सेम ऑप्शन दूं तो क्या आंसर हो जाएगा? अब आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर बेस्ट है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दो ऑप्शन पर हमें ध्यान ही नहीं लगाना है, हमें इन तीनों में ही जवाब देना है, और इन तीनों में बेस्ट हमारा आंसर हमेशा ही लेजर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आपसे कौन पूछेगा कि इनमें से कौन बेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लॉटर बेस्ट है, यानी कि सबसे बेस्ट तो प्लॉटर ही है। और दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से प्रिंटर कौन सा बेस्ट है, तो लेजर है। केवल एक शब्द का अंतर था ऊपर वाले क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में, केवल एक शब्द का अंतर है, ऊपर प्रिंटर नहीं है नीचे प्रिंटर है। और अगर आप प्रश्न को गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे तो पूरी संभावना है उत्तर के गलत हो जाने की। ठीक है, अगले आउटपुट डिवाइस का नाम लिखेंगे हम लोग, और वो होता है हमारा स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे प्रोड्यूसेस आउटपुट इन
ऑडिबल फॉर्मेट, प्रोड्यूसेस आउटपुट इन ऑडिबल फॉर्मेट, ठीक है। यहां पर बेटा हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस खत्म होते हैं। नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, वो ये लिखेंगे आप, एग्जाम्पल्स ऑफ सम डिवाइसेस हैविंग इनपुट ऑब्लिक आउटपुट बोथ फीचर्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा कुछ ऐसी डिवाइसेस के नाम जिनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो इनपुट और आउटपुट दोनों का उदाहरण हो सकती हैं, जैसे टच स्क्रीन। ना बेटा, स्पीकर इनपुट आउटपुट ही होता है, स्पीकर इनपुट नहीं होता। जैसे टच स्क्रीन, जैसे मॉडेम, जैसे फैक्स मशीन, ये ऐसे डिवाइसेस के नाम हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, याद रखना। ये ऐसे डिवाइसेस के नाम हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, और बच्चे फैक्स का फुल फॉर्म होता है फैसीमाइल, FACSIMILE। स्पीकर इनपुट कैसे हो सकता है भाई? स्पीकर आउटपुट ही होता है, स्पीकर से तो आवाज आती है केवल। क्या आप लोगों को जितनी बातें मैंने अभी तक बताई हैं उनमें कोई समस्या है या सभी बातें क्लियर हैं? सभी लोग बताएं, शोभित बताएं, अश्विनी बताएं, सौम्या बताएं। सर जी, अप्रोक्स कितनी क्लासेस में कंप्यूटर अवेयरनेस कंप्लीट होता है? बेटा कंप्यूटर पूरा कंप्लीट करने में लगते हैं लगभग 30 से 32 घंटे, 32-35 आवर्स, ठीक है। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं, कृपया उसे भी सुन लीजिए। कोई भी ऐसी डिवाइस, सुनना बेटा मेरी बात को गौर से, क्योंकि एग्जामिनर कई बार, देखो हमारा एग्जाम ऑप्शनल है ना, दिक्कत तो ये है, सारी दिक्कतें तो इसी की है कि हमें ऑप्शनल एग्जाम देना है। सब्जेक्टिव एग्जाम देना होता है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। गौर से सुनना, हमसे कह रहा है कि टच स्क्रीन किसका एग्जाम्पल है, तो सर आपने बताया है कि टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मैंने पूछा, या मान लो एग्जामिनर ने पूछा, टच स्क्रीन किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन में उसने इनपुट भी दिया है, आउटपुट भी दिया है, इनपुट आउटपुट भी दिया है, तो निश्चित तौर पे आप जवाब लगा सकते हैं सर इनपुट आउटपुट, ठीक है। हो सकता है वो इनपुट आउटपुट ना दे करके बोथ वन एंड टू ऑप्शन दे दे, तो इसका भी वही मतलब है, बोथ वन एंड टू, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है एग्जामिनर हमें कुछ भी और ऑप्शन में दे दे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ना दे कि जिसमें इनपुट और आउटपुट हम दोनों एक साथ लगा सके। तो एक बात मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, वो ये है कि कोई भी डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट होती है, हमेशा याद रखेंगे कि वो पहले इनपुट होती है और दूसरे नंबर पे वो आउटपुट होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इनपुट आप लगा सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? आप खुद ही सोचिए कि आपका जो फोन है वो टच स्क्रीन फोन है, आप वहीं पर इनपुट देते हैं, वहीं पर आउटपुट आपको तुरंत दिखता है कि नहीं दिखता? वहीं पर आप कीबोर्ड में मैसेज टाइप करते हैं और वहीं स्क्रीन पर आपको मैसेज टाइप होता हुआ दिख जाता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में ऐसा करेंगे तो क्या होगा? कंप्यूटर में आप कीबोर्ड में मैसेज टाइप कर रहे होंगे लेकिन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
यानी कि कीबोर्ड इनपुट हो गया, आपका स्क्रीन आउटपुट हो गया, लेकिन मोबाइल में क्या है, वहीं पर इनपुट हो रहा है, वहीं पर आउटपुट हो रहा है, इसलिए वो इनपुट आउटपुट दोनों हो गया। लेकिन आप लोग एक चीज तो आराम से समझ सकते हो ना बच्चों, कि सर आउटपुट तभी तो दिखेगा ना जब इनपुट दिया जाएगा। बोलो हाँ कि ना भाई। किसी भी चीज का बेटा आउटपुट हमें तभी तो दिखेगा ना जब हमें क्या दिया जाएगा। अरे तुम यही पूछ लो बेटा, यही बता देंगे, यही पूछो, ठीक है ना। हो सकता है वो डाउट सारे बच्चों के काम का हो तो उन्हें भी जवाब मिलेगा, ठीक है। सुनो, तो पहले हमने मैसेज टाइप किया, तभी तो हमें अपना मैसेज टाइप होता हुआ दिख रहा है। इससे हमें क्या निष्कर्ष मिला कि कोई भी ऐसी डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों होती है, वो पहले इनपुट डिवाइस होती है, बाद में आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है, जल्दी से मुझे हाँ या ना में जवाब दे। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि टच स्क्रीन है, मॉडेम है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? सर इनपुट आउटपुट दोनों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है भैया, वही डाल देना, वही डाल देना, ठीक है डाल देना, ठीक है। तो टच स्क्रीन है, मॉडेम है, ये सब बेटा इनपुट आउटपुट दोनों के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर इनपुट आउटपुट दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा तो सर हम इनपुट को पहले लगाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे शाम को 6:30 बजे डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट पर आ करके अपना कंप्यूटर साइंस का एक 25 क्वेश्चन का बेटा मॉक सेशन चलता है, ठीक है। हाँ, जो भी पूछना है बिल्कुल पूछ लो। 25 क्वेश्चन का बेटा मॉक सेशन चलता है, आ करके उसे ज्वाइन करते जाइए, सुबह पढ़ते जाइए, शाम में अपनी प्रिपरेशन भी देखते जाइए। रात में 9:30 बजे एक रीजनिंग का भी मॉक सेशन चलता है। मेरे साथ समस्या ये है कि मैं बहुत आसान क्वेश्चंस कभी नहीं लाता हूं, मॉडरेट लेवल से ऊपर के क्वेश्चन होते हैं हमेशा। कभी कभार बच्चों को खुश करने के लिए भी आसान ले आता हूं, ऐसा नहीं है, नाराजगी नहीं है कोई। तो सभी बच्चे 9:30 बजे और 6:30 बजे डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट चैनल पर आकर के मॉक सेशन अटेंड जरूर किया करें, ठीक है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम और आप डेली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं किसी वजह से। हो सकता है आपकी इस समय पर कोई और क्लास चलती हो, तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक शेड्यूल बना लीजिए प्रॉपर और चीजों को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सर प्लीज पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा दीजिए। बेटा हमारे पास पीडीएफ में जो होता है वो मैं आपको दे देता हूँ, जो नहीं होता है वो मैं फिर ऐसे ही पढ़ा पाता हूँ। देखो ये सब कुछ मैं चाहूँ तो स्लाइड में लिखकर भी ला सकता हूँ, लेकिन मैं लिखता इसलिए हूँ क्योंकि लिखा हुआ याद रहता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। सभी बच्चे मेरा जो टेलीग्राम लिंक है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप सभी बच्चों को मैं क्लास से पहले लिंक सेंड कर दिया करूं। टेलीग्राम लिंक का नाम है बेटा लॉजिकल स्मैशर्स, क्लियर। पूछा गया है सम फॉर्म फिल करने का इशू है यूपी या मुंबई। यूपी से भरो बेटा, यूपी से। मुंबई में तो तुम्हें वहां का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। देखो सभी लोग सुन लें, RRB का फॉर्म हमेशा वहीं से भरे जहां के आप पाए जाने वाले हैं। क्लियर हो गई ये बात बेटा? तुम तो मुंबई में रहते हो, तुम्हें वहां का लैंग्वेज आता है मराठी, क्योंकि तुम्हारा सरनेम तो इधर साइड का लग रहा है। मुंबई में तो ऐसे सरनेम होते हैं, सलगांवकर, गुड़गांवकर, दाबके, ऐसे करके मूवीज में सुना है हमने, ठीक है। चलो तो हाँ, ये टेलीग्राम लिंक का बेटा नाम है लॉजिकल स्मैशर, सभी बच्चे से ज्वाइन कर लीजिए।
और जल्दी से जल्दी मेरे साथ अनअकैडमी प्लस में कनेक्ट हो जाइए। वहां पर आपको एक आपके ऊपर भी बाउंडेशन रहती है कि क्लास का टाइमिंग आ चुका है, पढ़ने जाना है, आप सीरियस होकर पढ़ते हैं, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई बेटा थोड़ी एक ऐसी चीज है, आप सभी समझदार हो बेटा, बिल्कुल करा देंगे, हम कहां जाएंगे नहीं कराएंगे, तो बिल्कुल करा देंगे, सब करा देंगे, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, अनअकैडमी प्लस पर क्या होता है बेटा, बच्चों के साथ एक शेड्यूल प्रॉपर बन जाता है, उनका भी और हमारा भी, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई थोड़ी एक ऐसी चीज है जो प्रॉपर शेड्यूल और डेडिकेशन के साथ होती है, तभी मजा आता है, ठीक है। रिजल्ट हमको तभी मिलते हैं, बाकी तो पढ़ने को तो पूरी जिंदगी इंसान पढ़ सकता है। हर आदमी कहता है ना कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन सरकारी नौकरी की उम्र होती है, ठीक है ना। तो चले बच्चों, फिर इसी के साथ इस सेशन को एंड करता हूं मैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कॉल करके भी बात कर सकता है, नंबर सबके पास होगा मेरा, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। और अनअकैडमी प्लस में आने के लिए अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं SPDS, अगर आपको बढ़िया लगता है पढ़ने में मुझसे, तो आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करके, या USAS, दो कोड है बेटा मेरे, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करके आप 10% डिस्काउंट के साथ मेरे प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। नंबर मेरा इसी वीडियो की शुरुआत में है, इसी वीडियो की शुरुआत में है नंबर बेटा मेरा, ठीक है। चलिए बेटा सेशन एंड करते हैं इसी बात पर, मिलते हैं 6:30 बजे शाम को कंप्यूटर साइंस के मॉक सेशन में, ठीक है। ओके बाय बाय बेटा, वीडियो की शुरुआत में है।